पहले प्लेयर की बात की जाए तो शुरुआत करते हैं इंडिया के T20 कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ। हरमनप्रीत कौर जानी जाती है अपने ताबड़तोब बल्लेबाजी के लिए, एक स्पिन बोलिंग भी करती है, काफी इफेक्टिव होता है T20s में वो। अगर हम देखें उनका हालाना फॉर्म, काफी इंजुरी से जूझ रही थी, इस साल ही उनको 3 से 4 अलग अलग टाइप की इंजुरीज हो चुकी है, ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है। अभी रिसेंटली आई थी वापस इंडियन टीम को लीड करने के लिए T20 में, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। दी 100 में 3 से 4 मैच खेले, उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। दर्शक ये चाहेंगे कि हरमनप्रीत कौर, जिनको लोग प्यार से हैरी थॉर कहते हैं, वो वापस फॉर्म में आए, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होगा इंडियन टीम के लिए। इस बार हरमनप्रीत कौर की जर्सी कलर चेंज हो रहा है। हाँ, वो अभी तक सिडनी थंडर के लिए खेल रही थी, वो ग्रीन से अब रेड जोन में जा चुकी है। मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलेंगी इस बार हरमनप्रीत कौर। मेलबर्न रेनेगेड सोफी मॉलिन्यू लीड कर रही है, और उन्हीं के साथ वहां पर उनका साथ देंगी इंडिया की नई नंबर 3 बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिक्स। साथ ही साथ उनके साथ होंगी इंग्लैंड की एवलिन जोन्स। काफी अच्छा स्क्वाड दिख रहा है मेलबर्न रेनेगेड्स का, लेकिन हरमनप्रीत के ऊपर काफी दामदार होगा। एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, कप्तानी का अनुभव लेके आती है, सोफी मॉलिन्यू को गाइड करने की भी जिम्मेदारी होगी, और साथ ही साथ वो फॉर्म वापस लाना चाहेंगी हैरी कौर। देखते हैं क्या होता है हरमनप्रीत कौर के साथ विमेंस बिग बैश लीग में। चाहेंगे सभी कि वो फॉर्म में वापस आ जाए।